वेरी ब्राइट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी और हमारा जीवन पार्ट 3, जिसका अभ्यास कार्य रह गया था वो मैं आज पूरा करूंगी। धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। मैले और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्माना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, साफ कपड़ों की तरह हमें अपने विचार भी साफ सुथरे रखने चाहिए। हमारे विचारों से ही हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। सद विचारों से हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमारा जीवन सम्माननीय बनता है। इसी सद्गुण विचार के साथ हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। ये रहा आपका पहला प्रश्न, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? उत्तर है, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया उत्पन्न होती है, इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार यानी वलित पर्वतों का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। आइए नजर डालते हैं इनके वर्णन पर। जागृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी काफी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। शांत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख यानी क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। सबसे पहले नजर डालेंगे हम हानियों की ओर। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं, इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है, इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। आइए देखते हैं ज्वालामुखी से मनुष्य को कौन कौन से लाभ होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। इनसे बनने वाला क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई के काम आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई दो सावधानियां लिखिए। उत्तर है, भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा, यदि सड़क पर चल रहे हैं
तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जाना चाहिए। अगला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एटना, इटली, कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी, हिमालय, वलित पर्वत। चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्वालामुखी के छिद्र को रिक्त स्थान कहते हैं। अधिकतर भूकंप रिक्त स्थान के दोनों तट पर आते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें रिक्त स्थान पर तैर रही हैं। मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। इनके हल ये रहे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। का है विवर, खा प्रशांत महासागर, ग दुर्बलता मंडल और घ लावा। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अभ्यास कार्य। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय और उसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहकर इन वीडियोस का लाभ उठाइए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, यही सही उम्र है आपके आगे बढ़ने की। थैंक यू।